छुरिया, और आपने हिमाचल में देखा ही होगा इतनी बारिश की वजह से घर कैसे बह रहे हैं, जगह जगह बादल फट रहे हैं और घर सब कुछ सब जगह वो। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं, अच्छे क्या हैं, सर्दी जुकाम पिछाड़ी छोड़ी है और हालत बड़ी ख़राब हो रही है। दवाई का तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रखा है, तो जुकाम सही कहाँ से होगा, है ना? मेरा जुकाम ठीक नहीं हो रहा, इनका नहीं हो रहा, बच्चे का नहीं हो रहा है, और बस अभी मॉर्निंग क्या 11 बज चुका है, इसको बंद करो फैन को। 11 बज चुका, आपको पीछे आवाज़ आ रही हो, बहुत तेज़ बारिश लगी है और 2-3 दिन का हाई अलर्ट भी है। और आज वैसे ही इनके, मैंने जैसे बताया था, यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, बट आज की छुट्टी कर दी है यहाँ पे क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और आपने हिमाचल में देखा ही होगा इतनी बारिश की वजह से घर कैसे बह रहे हैं, जगह जगह बादल फट रहे हैं और घर सब कुछ सब जगह वही हाल है। सिर्फ इधर ऐसा है कि ऐसी बाढ़ नहीं आ रही होगी, बट पहाड़ ऐसे गिर रहे हैं ना, पत्थर ऐसे गिर रहे हैं, मतलब चलना मुश्किल है। और सुबह ही ऑफिस गए तो बड़ी टेंशन हो रही है, मैं तो कह रही थी आज रुक जाओ, बट जब हाई अलर्ट होता है तो ऑफिस जाना पड़ता है। और क्या बोलूँ मैं, बड़ी टेंशन हो रही है यार। अब बारिश बहुत ही तेज़ लगी हुई है, बाहर आपको आवाज़ आ रही होगी। और अभी अच्छा सुलाया है मैंने, तो वो कुछ कपड़े हैं धोने के लिए, वो कपड़े धोती हूँ, बर्तन वगैरह हैं वो धोती हूँ। और एक बार एक झलक मैं बाहर मौसम का दिखा देती हूँ आपको। हाल इतनी ख़तरनाक बारिश हो रही है ना आजकल लगातार उत्तराखंड में, जिसकी वजह से हाई अलर्ट कर दिया गया है, और हाई अलर्ट की वजह से आज इनका भी स्कूल बंद हो गया है। देहरादून वगैरह हिमाचल में तो था ही बंद, बट इधर भी आज बंद कर देती। और फिर तेज़ आवाज़ होगी ना, आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, मुझे पता है। ये देखो आप, बारिश बहुत तेज़ बारिश लगी है, बहुत तेज़ बारिश, ये आप देख सकते हो, बारिश आप देख रहे हो, नाले निकल गए सब जगह। ये देखो यहाँ पे, देखो आज तो सुबह से यही हाल है, आज तो छत से भी इतना मोटा सा नाला निकल रहा है। देखो क्या करें, मजबूरी है, लोगों को जाना पड़ रहा है इधर उधर। ये देखो मौसम बहुत ही गंदा हो रखा, बहुत ही ज़्यादा, ये आप देख सकते हो, बहुत गंदे हाल हो रखे हैं। बारिश के मौसम देखो आप, बिल्कुल अंधेरा हो रखा, बिल्कुल अंधेरा। यहाँ रास्तों में देखो आप, पानी ही पानी निकल गया दुनिया भर का, बहुत खतरनाक वाली बारिश थी, पूछो मत। इधर तो आप देख सकते हो अंधेरा, और ये वाला नाला देखो, आपने देख लिया होगा कितना गंदा हाल है मौसम का। और प्लीज़ जो लोग भी पहाड़ों में घूमने का प्लान बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि पहाड़ों में आजकल घूमने जाएं, तो कृपया करके आजकल पहाड़ों में घूमने मत आइए, क्योंकि आजकल पहाड़ घूमने के लिए निकले हैं और जहाँ देखो वहाँ पहाड़ गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं। तो अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और ये जुलाई और अगस्त तक आप समझ लिए, बरसात सितंबर और अक्टूबर में आप आ सकते हो, नवंबर तक पट बंद होते हैं केदारनाथ बद्रीनाथ के, और आप लोग ये 2 महीने और रहते हैं, तो आप उस टाइम पे यात्रा करिए, घूमने आइए। बट आजकल बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इधर के लोग ना ऑफिस स्कूल जा रहे हैं तो उसमें भी टेंशन हो रही है, तो आप समझ सकते हो, आप लोग तो इधर उधर से आ रहे हैं। और क्या बोलूँ मैं, है ना? तो ये है बर्तन, तो मैं फट से बर्तन धो देती हूँ, क्योंकि अक्षत की नींद का ना भरोसा नहीं रहता, वो एकदम से उठता है और फिर उसके साथ काम करना बड़ा टफ है, तो मैं फटाफट से काम कर देती हूँ। चलो
आज मैं बनाने वाली हूँ घर से लाई हुई मिक्स राजमा, और इसमें जो भी छोटे छोटे पत्थर होंगे ना उनको निकाल के मैं नीचे पे ही फेंक रही थी, क्योंकि अभी मैंने झाड़ू मारनी है तो थोड़ी देर इसको भिगोने के लिए रख दूंगी। तो राजमा मेरी बन चुकी है और ये देखो, लेकिन इसका पानी ना सारा ख़त्म हो गया, थोड़ी देर और रखती मैं तो शायद ही जल जाती। और मैंने ना कढ़ाई चढ़ा दी थी, बट ये राजमा में तो पानी नहीं है, तो थोड़ा सा पानी मैं गर्म करूँगी अलग से और उसके बाद मैं बनाऊंगी, छौंक दूंगी इसमें। ये देखो हल्की आंच पे मैंने रखा है, तो चलिए फटाफट से करती हूँ मैं इसको। क्या कह रहे हो? तो ये उठा, उसके बाद मैंने इसकी मालिश वगैरह करी, कपड़े चेंज करे, और ये हनी की टी शर्ट है, ये हनी की इतनी बड़ी टी शर्ट है तो मैंने इसको पहना दी, क्योंकि ना ढीले ढाले कपड़े आज के गर्मियों में ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे इस डब्बे के साथ रखा था, ये यहाँ से चढ़ के इस तरीके से यहाँ पे खड़ा हो गया और लगा था दा दा दा, दा। ये देखो मेरे पास आ रहा है। बच्चे रोते हैं तो बोलते हैं मामा, बट अक्षू बोलता है हाँ दादा, हाँ दादा अक्षू। सुनो अक्षू, बच्चे रोते हैं बोलते मामा, और अक्षू क्या बोलता है? अक्षू क्या बोलता है बोलो, आ जाओ अक्षू क्या बोलता है? हाथ दो, हाथ दो मम्मा को, दा 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 दा। और बस ऐसे चिल्लाता है। उसको मैंने कहा था कि इसके साथ रहे हनी को, बट हनी तो रहेगा नहीं, वो टीवी देख रहा है। बारिश लगातार है और अभी तक मैंने अपने सारे काम निपटाए, इसके बाद मैंने दो तीन इंस्टाग्राम रील्स बनाई जो आजकल ट्रेंडिंग चल रही है, तो मैंने भी थोड़ा सा यू नो मस्ती हो जाती है। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, मैंने आपको बोला था इसके साथ रहने के लिए, रहो रहे आप, नहीं रहे ना तो मैं भी नहीं आऊँगी। तो उसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, बाल वैसे के वैसे ही हैं, कल नहाई थी वैसे के वैसे हैं, और सिर्फ बिंदी लिपस्टिक लगाई थी उसमें क्या। तो क्योंकि इंस्टाग्राम पे फिल्टर है ही है ना, तो मेकअप मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखो इसके साथ यही दिक्कत है, यहाँ पर से ना इसने हनी की सारी बुक्स जो भी चीज़ें हैं ना नीचे फेंक रहता है, इसलिए मैं यहाँ पर रख ही नहीं रही हूँ, ये पूरा नीचे फेंक दे रहा है। ये अभी मेरी गोद में था और आते आते इसने देखो ये पूरा, आपको बिलीव नहीं हुआ, ये पूरा फाड़ दिया, यहाँ देखो पूरा खींच खींच के फाड़ दिया। मैं इसको सही कर भी नहीं रही हूँ क्योंकि ये बार बार वैसे कर दे रहा है, और जब तक ये खेल रहा है मैं दाल भी बंद कर देती हूँ और चावल भी चढ़ा देती हूँ। तो ये देखो दाल हमारी बहुत सुंदर बनी हुई है, घर की राजमा है, और ये देखो बहुत सुंदर। इसमें धनिया रहता ना तो फिर बात ही कुछ और थी, बट धनिया नहीं है तो ऐसे काम चलाना पड़ेगा। टमाटर मैंने जब दाल रखी थी उसी टाइम पे डाल दिया था, ये मत सोचा कि 160 रुपये किलो के टमाटर, तो टमाटर नहीं खरीद रहे होंगे, नहीं डालेंगे, नहीं हम नहीं करते हैं लापरवाही, थोड़ा मतलब लापरवाही क्या, थोड़ा बहुत तो डालने चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा लगता क्या नहीं डाला क्या नहीं डाला। तो ये देखो ये थोड़ी देर और पकेगा, और इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं तो इसको मैं धो के चढ़ा दूँगी। ये हमारे टमाटर सबसे कीमती है ना, एक वहाँ पे अब तो सावन लगने वाला है तो अंडे भी हटा देंगे, इनको मैं बालों पे लगा दूँगी। और ये देखो टमाटर, बर्तन देखो, ये बर्तन जब मैं घर गई थी ना सारे इतने गंदे हुए थे, मैंने हल्के हल्के जितने भी मेरे से हो सक रहा था उतने मैंने क्लीन किए, और बस ये है। तो चलिए मैं इसको रखती हूँ, बस दाल बंद कर देती हूँ, दाल हो चुकी है तो दाल हमारी बन चुकी है, चावल चढ़ाती हूँ, हमारा खाना रेडी है। तो ये थाली है, पहले मैं हनी को खिलाऊंगी, अक्षत को खिलाऊंगी, फिर इसी मैं खाऊंगी, और ये सैलेड है। तो हमारा खाना रेडी है।